हेलो दोस्तों, नौकरी करेगर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको अम्ल के बारे में बताऊंगा। दोस्तों अम्ल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनते हैं दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप सॉल्व कर दीजिएगा। दोस्तों जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, यहाँ से आपका 2 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अम्ल की उत्पत्ति एसिडस नामक शब्द से हुआ है। दोस्तों यहाँ पे एसिड का मतलब होता है खट्टे और प्लस डस होता है, तो डस का मतलब पदार्थ होता है। दोस्तों तो यहाँ से एसिडस दोनों मिला के खट्टे पदार्थ बन जाता है, जिसमें खट्टे पदार्थ को ही हम लोग अम्ल बोलते हैं। जैसे नींबू वगैरह अम्ल होता है, तो अम्ल जो होता है नीले लिटमस पेपर को होता है लाल कर देते हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और याद रखिए क्षार जो होता है लाल लिटमस को नीला कर देता है। यहाँ पे जो होता है 0 से 7 जिसका पीएच मान होता है उसे अम्लीय कहते हैं, 7 से 14 के बीच पीएच मान होता है तो क्षारीय बोलते हैं, और जिसका पीएच मान 7 होता है उसको उदासीन बोलते हैं, यानी जल को हम लोग उदासीन बोलते हैं, 7 पीएच मान होता है। यहाँ अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल जिसका पीएच मान 0 होता है, और दुर्बल अम्ल होता है जिसका पीएच मान 6 से 7 के बीच में होता है। अब यहाँ पे सबसे प्रबल अम्ल की बात करते हैं, जिसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और सबसे दुर्बल अम्ल होता है कार्बोनिक अम्ल होता है, जिसका सूत्र होता है CH3COOH और HCOOH, इस तरह से रासायनिक सूत्र भी उसका पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अम्लों की प्रबलता, इस तरह से आप देख सकते हैं घटते क्रम में सबसे ज्यादा सबसे कम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, उसके बाद नाइट्रिक अम्ल, उसके बाद H2SO4, उसके बाद CH3COOH का होता है प्रबलता होता है, इस तरह से होता है। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को नमक का तेजाब भी कहते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और इसका उपयोग इस्पात उद्योग में किया जाता है, क्लोरीन के निर्माण में किया जाता है, और एक्वा रेजिया के निर्माण में किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भी पूछा जाता है दोस्तों, और हमारे पेट में भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है तो वो भी अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद नाइट्रिक अम्ल, यहाँ पे HNO3 बोलते हैं उसको, उसे सोरे का अम्ल कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे उसका उपयोग धातुओं के शुद्धिकरण में किया जाता है, उसके बाद एक्वा रेजिया के निर्माण में किया जाता है, और विस्फोटक व उर्वरक पदार्थ वगैरह बनाने में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में बात करते हैं, H2SO4 जिसे कहता है, इसे गंधक अम्ल भी कहते हैं दोस्तों, इसे अम्लों का राजा भी कहते हैं, ऑयलर विड्रोवल भी कहा जाता है दोस्तों। इसका उपयोग लगभग स्टोरेज बैटरी में किया जाता है, पेट्रोलियम प्योरिफिकेशन में किया जाता है, अग्निशमन यंत्र वगैरह में H2SO4 होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्वा रेजिया को किसे कहते हैं, एक्वा रेजिया को अम्ल राज भी कहते हैं दोस्तों। एक्वा रेजिया का निर्माण इस तरह से होता है, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस 1 भाग नाइट्रिक अम्ल मिलाकर ही एक्वा रेजिया बनता है, तो इसमें सोना चांदी प्लेटिनम आसानी से घुल जाते हैं दोस्तों एक्वा रेजिया में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना है दोस्तों, इस प्रकार की रेगुलर वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए दोस्तों, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, तो